राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने संघ और पीएम मोदी पर हमला किया है। When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा के लिए अमेरिका गए हुए हैं, जहां टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने संबोधित करते हुए पीएम मोदी और संघ के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने लगातार भारत और पश्चिमी देशों में बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र किया है, साथ ही इससे निपटने का उपाय भी बताया। राहुल गांधी ने एक सभा में बोलते हुए आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों का मानना है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, वो भी बिना किसी परवाह के। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के समय सभी को यह दिखाई दे दिया कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कर रहा हूं वह संविधान में है, राज्यों का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। इन सब के अलावा राहुल गांधी ने बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही नौकरियों के संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने चीन और वियतनाम का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जहां कई देश बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं।